अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि कढ़ी पकोड़ा कैसे बनाया जाता है। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 किलो दही यूज़ कर रही हूँ, पाया बेसन यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं, उसमें 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च, 2 टीस्पून रेड टर्मरिक पाउडर यानी कि पीसी हुई हल्दी एंड 1 टीस्पून सॉल्ट, बाकी हम जायके के मुताबिक सॉल्ट बाद में यूज़ कर लेंगे, और 1 टीस्पून मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। अब मैं दही को और बेसन को ग्राइंड कर लूँगी। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के डाले हैं। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह भून लूँगी। मैं ज़ीरा भून गया, मैं इसके अंदर ये मसाले ऐड कर लूँगी सारे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके, और साथ ही ये मैं बेसन दही तो जो मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसमें मैंने 1 लीटर पानी भी यूज़ किया था, डालते ही इसको अच्छी तरह हिला लूँगी। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे और इसका ये चम्मच हिलाते रहेंगे, और जब इसमें उबाला आ जाएगा ना, तब हम इसे हल्की आंच पे रख देंगे। ये बॉयल होना शुरू हो गई है, ये गाढ़ी है थोड़ी सी, मैं इसमें और पानी ऐड कर लूँगी थोड़ा सा। और इसका चम्मच हिला लूँगी अच्छी तरह। ये बॉयल हो चुकी है, अब मैं इसके ये चम्मच निकाल के इसको हल्की सी आंच पे रख दूँगी। 15 मिनट हो गया मुझे इसे हल्की आंच पे रखे हुए, अभी इसे थोड़ा टाइम है पकने में, जब तक ये बनती है तब तक मैं पकोड़े बना लेती हूँ। पकोड़ों के सामान के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के आलू यूज़ किए हैं, उन्हें मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है, 3 छोटी प्याज, 10 ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च, थोड़ी सी मेथी, 1 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा यूज़ किया है, 1/2 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया है, और 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट। एक बाउल लें, उसमें मैंने आलू और प्याज डाल दिए कट किए हुए, इसमें ये ग्रीन चिलीज डाल दूँगी, कुटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी, और उसके अलावा ये सारे मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 2 छोटे कप मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और साथ ही मैंने कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए फ्राई पैन में रख दिया है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और साथ ही इसे अच्छी तरह मिक्स करती जाऊंगी। पूरे 1.5 घंटे में कढ़ी बनके तैयार हो गई है, ये देखें कितनी थी और कितनी रह गई है अच्छी तरह, और साथ ही पकौड़े भी तैयार हो गए हैं। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। कढ़ी पकौड़े की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है और तकरीबन सब लोगों को पसंद होती है। आप भी इसे ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।